सोचो कि 27 साल की उम्र में आपके पास 7 डायमंड स्टार्टेड गाड़ी एंड 2 प्राइवेट जेट है, आपके पास 1,000 मिलियन डॉलर है, फिर भी आपको सुसाइड करना पड़ जाए। अरिजीत सिंह, सोनू निगम जिनके गाने सुन के आप खुद को हील करते हो, वो खुद भी डिप्रेशन में हो सकते हैं। BTS एंड K-pop जैसे आपकी फेवरेट बैंड स्टेज में परफॉर्म करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। आपको एक म्यूजिक वीडियो में जितना पैसा और गाड़ी देखता है, असल जिंदगी में वो सिंगर उतना ही कर्जे में डूबा होता है। अरमान मलिक खुद एक इंटरव्यू पर कह चुके हैं कि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग का कोई पैसा नहीं मिलता है। The song you get like money and we don't get in Bollywood. I mean, I've sung songs in the South Indian industries and in other industries outside of Bollywood, but I don't think any singer has gotten paid to sing a song. Be it Arijit Singh, be it me, be it whoever. As far as I'm aware, I don't think we get paid to sing a song. और अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसे मरवा दिया जाता है। म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है कि आर्टिस्ट के पास दो ही रास्ता बचता है, या तो सुसाइड कर लो या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लो, वरना आपको इनकी स्लेवरी झेलना पड़ेगा। बट ये सब कुछ होता कैसे है, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा म्यूजिक इंडस्ट्री काम कैसे करती है एंड पैसा कैसे कमाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा खेल पैसों का ही है। एक सॉन्ग बनाने का 4 स्टेप होता है। पहले लिरिसिस्ट एक गाने को लिखता है, फिर कंपोजर उस लिरिक्स के अकॉर्डिंग म्यूजिक कंपोज करता है, एंड फिर एक सिंगर उस गाने को रिकॉर्ड करता है, एंड फाइनली लेबल्स उस गाने को डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है उस गाने को टीवी, थिएटर, रेडियो तक पहुंचाना, एंड पहले के जमाने सीरीज भी बिकता था तो उस सीडी को भी सेल कराना डिस्ट्रीब्यूटर का ही काम था। इन सब जगहों से जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर अपना काट लेने के बाद 85% पब्लिशर एंड लेबल को देता था एंड 15% आर्टिस्ट एंड राइटर के बीच डिवाइड होता था। उस टाइम पे एक आर्टिस्ट 85% प्रॉफिट लेबल के साथ शेयर करता था, क्योंकि इंडिविजुअली एक आर्टिस्ट का उतना रिच नहीं होता था कि वो उस गाने को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए। बट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आते ही म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल पूरा बदल गया। जहां पहले एक आर्टिस्ट 85% प्रॉफिट म्यूजिक लेबल के साथ शेयर करता था, वही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आने के बाद 75% प्रॉफिट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को मिलने लगा था और 25% प्रॉफिट आर्टिस्ट को मिलने लगा था। सिर्फ सीडी सेल करने का प्रॉफिट लेबल के साथ शेयर होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूजिक लेबल्स ने मास्टर डील को इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू मास्टर डील, एक आर्टिस्ट का गाना कहाँ बजेगा, कितनी देर के लिए बजेगा, कहाँ नहीं बजेगा, इवन लाइव शोज भी म्यूजिक लेबल कंट्रोल करेगी। मतलब आपका गाना आपका रहेगा ही नहीं, एंड इन सारी जगहों से जितना प्रॉफिट होता है उसका एक ह्यूज परसेंटेज लेबल ले लेता है। इनफैक्ट बॉलीवुड में तो गाने गाने का पैसा भी नहीं मिलता है। आई डोंट थिंक एनी सिंगर हैज गॉटन पेड टू सिंग अ सॉन्ग, बी इट अरिजीत सिंह, बी इट मी, बी इट व्होएवर। As far as I'm aware, I don't think we get paid to sing a song. तो फिर म्यूजिक आर्टिस्ट पैसा कैसे कमाते हैं? सिंगर्स का ज्यादातर इनकम होता है लाइव शो, कॉन्सर्ट एंड ब्रांड प्रमोशन से। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है अमेरिकन सिंगर बियॉन्से। बियॉन्से ने जहां अपने सबसे हिट एल्बम डेस्टिनी चाइल्ड से सिर्फ 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, वही बियॉन्से ने अपना परफ्यूम हिट सेल करके 2000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। चलो सिंगर्स को थोड़ा ही सही, लेकिन पैसा तो मिलता है, और अगर उनको पैसा ना मिले तो उन्हें फेम मिलता है, उन फेम का यूज़ करके वो लोग पैसा कमा लेते हैं। बट राइटर्स का क्या, एक सॉन्ग राइटर को ना तो पैसा मिलता है और ना ही फेम। आई कैन गारंटी यू, अगर मैं आपसे 10 लिरिसिस्ट का नाम पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता। मुन्नी बदनाम, इस गाने को हम सब ने सुना है, बट क्या आपको पता है इस गाने का राइटर कौन है? नहीं। इस गाने का राइटर है ललित पंडित। और तो और, इस गाने ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, बट ललित पंडित को कुछ नहीं मिला। फिर भी तुमको चाहूँगा, इस गाने को हम सब अरिजीत सिंह एंड मिथुन की वजह से जानते हैं, बट मनोज मुंतशिर जिन्होंने इस गाने को लिखा है उनको हम में से शायद ही कोई जानता है। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आर्टिस्ट म्यूजिक लेवल के साथ काम करते क्यों है? क्योंकि इंडिविजुअली एक आर्टिस्ट का उतना रिच नहीं होता है कि वो अपने गाने को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचा पाए। फॉर एग्जाम्पल, बादशाह का घर से दूर इस गाने पर 1.9 मिलियन व्यूज है, वही दूसरी तरफ बादशाह के ही गाना पानी पानी के ऊपर 789 मिलियन व्यूज है। मगर क्यों? क्योंकि घर से दूर बादशाह का इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस किया सॉन्ग है, वही दूसरी तरफ पानी पानी लेबल का प्रोड्यूस किया सॉन्ग है। दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए एक आर्टिस्ट को मजबूरन लेबल के साथ काम करना पड़ता है। यही पे खेल खत्म नहीं होता है, अब आता है म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, माफिया इन्वॉल्वमेंट। आपने पिछले साल सिद्धू मूसेवाला का मर्डर का न्यूज़ तो सुना ही होगा। उनके मर्डर का लिंक पाया गया है लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जो कि एक गैंगस्टर है। टी सीरीज का फाउंडर गुलशन कुमार का मर्डर का लिंक भी कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट बॉलीवुड एंड माफिया का बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत बार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को गैंगस्टर के साथ ओपनली देखा गया है।
और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। लैटिन अमेरिका की माफिया म्यूजिक इंडस्ट्री को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज करता है, क्योंकि एक बार अगर म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तो उसका सोर्स ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है एंड बड़े आसानी से उनका ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाता है। जिस तरह से म्यूजिक लेवल एक आर्टिस्ट के साथ स्कैम करता है, ठीक वैसे ही आजकल कुछ फेक गुरुज आपके साथ भी स्कैम करते हैं, एंड उनसे बचना कैसे है वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।